आमेर के मानसिंह इनका शासनकाल है 1589 से 1614, और ये अकबर और जहांगीर इन दो मुगल सम्राटों की इन्होंने सेवा की थी। इसके अलावा देखिए अकबर जो है इनको रणथंभौर अभियान पर भेजता है, गुजरात अभियान पर भेजता है, ठीक है। अकबर ने अपने नवरत्नों में आमेर के जो मानसिंह है इनको शामिल किया हुआ था। जन्म जो है इनका कहाँ हुआ था, 1550 ईस्वी में मोजमाबाद में हुआ था, जयपुर में। और इनके पिता का नाम क्या था, भगवान दास, दादा का नाम था भारमल। इनका राज्य अभिषेक बिहार में पटना में हुआ था। मानसिंह जब केवल 12 वर्ष की आयु में थे तभी इन्होंने मुगलों की सेवा में जो है ये चले गए थे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो 1562 ईस्वी में भारमल जो है वह अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह जो है अकबर के साथ कर देता है। जब अजमेर आता है अकबर 1562 ईस्वी में, तभी इनकी मुलाकात जो है अकबर से होती है। तो वह अपने बेटे को और अपने पोते को अकबर से मिलवाता है। यहाँ तक देखिए 52 वर्ष तक जीवन पर्यंत जो है यह मानसिंह मुगल सेवा में रहा था। तो अकबर ने देखिए राजा मानसिंह को अपने नवरत्नों में शामिल किया था, फरजंद जिसे बेटा कहा गया इसकी उपाधि दी, 7000 मनसब प्रदान किए थे, ठीक है। अब देखिए राजा मानसिंह के बारे में आपसे एग्जाम में कैसे प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं अभी तक, तो यहाँ से देखिए आपसे यही पूछा जाएगा कि जो फरजंद की उपाधि है वह मानसिंह को किसने दी थी, तो अकबर ने दी थी। कितना मनसब दिया था, 7000 मनसब दिया था, ठीक है, ये पूछा जाएगा। या किन मुगल सम्राटों की सेवा में राजा मानसिंह ने अपना जीवन व्यतीत किया था, तो अकबर और जहांगीर की सेवा में रहे थे। इसके अलावा जो है यहाँ से और क्या प्रश्न उठेगा कि जो अकबर है उसने मानसिंह को किस किस अभियान में भेजा था, ठीक है, ये डेट याद रखनी है, और कहाँ कहाँ गए थे ये याद रखना है। तो 1569 में देखिए रणथंभौर अभियान हुआ था, तो जिसमें मानसिंह जो है सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए गए थे। तो इनका रणथंभौर अभियान जो है सुरजनहाड़ा से संबंधित है। 1573 में गुजरात अभियान, जहां पर महाराणा प्रताप के साथ संधि करने के लिए दूसरा प्रस्ताव लेकर गए थे। 1576 में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें अकबर की सेना का नेतृत्व किया था, मुख्य सेनापति जो है उसका रोल निभाया था मानसिंह ने, याद रखिएगा। 1582 में काबुल के हाकिम मिर्जा, इसको हराकर काबुल का सूबेदार बनाया गया था राजा मानसिंह को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1589 में बिहार का सूबेदार बना और गिद्धौर के राजा पूरणमल, गिद्धौर के राजा पूरणमल को परास्त करके उसकी पुत्री का विवाह अपने भाई चंद्रभान से किया था। और इसी वर्ष क्या हुआ था कि भगवान दास जो है इनकी मृत्यु हो गई थी और राजा मानसिंह को आमेर का शासक बना दिया गया था, ठीक है। जिस वक्त बिहार के ये सूबेदार बने थे उसी वक्त उसी समय उसी वर्ष आमेर के शासक बने थे राजा मानसिंह। नेक्स्ट इनका अभियान जो देखिए कौन सा है, 1592 का उड़ीसा विजय, उड़ीसा को विजय किया और मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1594 में बंगाल का सूबेदार बना और बंगाल की राजधानी को बदलकर इन्होंने राजमहल किया, जिसे अकबर नगर भी कहते हैं। तो ये कुछ अभियान थे जिनके बारे में याद रखिएगा कि रणथंभौर अभियान जो कि 1569 में हुआ था, सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराया इन्होंने, गुजरात अभियान 1573 में महाराणा प्रताप के पास गए थे, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में सेनापति बने थे, 1589 में बिहार के सूबेदार बने, और 1592 में इन्होंने उड़ीसा को विजय किया, और नेक्स्ट जो है 1594 में बंगाल का सूबेदार बना। और यही बंगाल से ही ये क्या लेकर आए थे, शीला माता की मूर्ति लेकर आए थे जो कि इनकी आराध्य देवी हैं। कूच बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण और पूर्वी बंगाल के केदार को पराजित किया और वहां से शीला माता की मूर्ति लेकर आए थे। यहां तक कि तीन बार राजा मानसिंह बंगाल के सूबेदार बने थे।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इनको आप याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन मानसिंह से संबंधित आएगा तो यहीं से उठकर आएगा। 1614 ईस्वी में एलिचपुर जो कि दक्षिण भारत में है, यहाँ पर मानसिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो एलिचपुर एक तो यूपी में है और दूसरा जो कि दक्षिण भारत में है, तो दक्षिण भारत में ही मानसिंह की 1614 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। मानसिंह की रानी थी कंकावती। इन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। अब मानसिंह ने बहुत सारे जो हैं निर्माण कार्य किए थे, तो मानसिंह का स्थापत्य जो देखिए, जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? राजा मानसिंह ने रखी थी। तो हम पढ़ते हैं कि जो जयसिंह हैं उन्होंने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, लेकिन इसकी नींव जो है रखने वाले कौन थे, यानी प्रारंभ करने वाले थे? राजा मानसिंह। यहाँ इन्होंने तोप ढालने का कारखाना लगाया, आमेर के महलों का निर्माण करवाया, शीला माता का मंदिर का निर्माण करवाया। तो 1589 में जब इन्हें बिहार का सूबेदार बनाया था, तब इन्होंने बिहार में देखिए मानपुर नगर बसाया, रोहतासगढ़ के यहाँ पर महल बनवाए थे। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनवाया था, तो जयपुर में है गोविंद देव जी का मंदिर, लेकिन वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाने वाले कौन है? राजा मानसिंह। जगत शिरोमणि मंदिर में मीराबाई द्वारा पूजा की जाने वाली मूर्ति स्थापित की, और मीराबाई किसकी पूजा करती थी? कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। मानसिंह के समय देखिए, मुरारी दान ने मान प्रकाश, जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी। अब ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। दलपत राज ने पत्र प्रशस्ति की रचना की थी और पुंडरीक विट्ठल ने राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय और रागमाला इसकी भी रचना की थी। दादू दयाल ने वाणी की रचना मानसिंह के समय की थी। मानसिंह के दरबार में देखिए कितने सारे विद्वान थे, तो इन्हें विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है। तो मानसिंह का जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोई भी फैक्ट आपके छूटे नहीं है, इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद करना है, बार बार रिवाइज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।